दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल आल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में। दोस्तों आज दिखाने वाले हैं टॉयलेट बाथरूम डोर्स जो कि काफ़ी समय लंबे समय तक चल जाते हैं, दीमक की भी कोई समस्या इनमें नहीं होती। आप लकड़ी के डोर्स लगा देते हैं, फ्लश डोर्स लगा देते हैं तो दीमक की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और पानी से ये गल जाते हैं। तो यहीं पर आप लकड़ी के डोर का इस्तेमाल ना करके, फ्लश डोर का इस्तेमाल ना करके आप एल्युमिनियम डोर्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें ACP शीट का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर जो डोर देख रहे हैं इसमें ACP का इस्तेमाल किया गया है तो पानी से किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप जानते हैं एल्युमिनियम पर पानी से किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैं इस सेक्शन की अगर बात करूँ तो 45x45 mm के सेक्शन हमने डोर को बनाने में इस्तेमाल किया है। यहीं पर अगर इसकी चौखट की मैं बात करूँ तो चौखट को जो बनाने के लिए हमने सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है तो वो 65x35 mm का सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर ACP का इस्तेमाल किया गया, एलोमैक्स ACP का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर कब्जे देख सकते हैं, SS का कब्जे का इस्तेमाल किया गया है जो कि हमारा 12 गेज का ये कब्जा होता है। अभी यहीं पर रबड़ की बात करें तो रबड़ EPDM का इस्तेमाल की गई है। रबड़ किसी भी तरीके की इसमें फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। डोर भले ही 10-15 साल में आपका ख़राब हो जाएगा मगर रबड़ पर किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं ये सेक्शन दिखा देता हूँ जिसकी हमने चौखट बनाई है। अभी यहाँ पर ये जो मैं सीट दिखा रहा हूँ इसको डोर के बीच में लगाते हैं ताकि हमारे डोर गले ना, तो काफ़ी समय अच्छे समय तक ये चल जाता है। और अब ये वाला जो सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैंने पकड़ा हुआ है तो ये मैं क्लोजिंग साइड का जो सेक्शन है, सिंगल टांगा बोल देते हैं इसको, ये पौने दो सेक्शंस के नाम से भी जाना जाता है, 4507 4506 के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये मैं आपको डोर्स दिखा रहा हूँ एल्युमिनियम के। यहाँ पर कुछ डोर्स रखे हुए हैं जो कि ऑर्डर पर ही तैयार किए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4-5 डोर यहाँ पर रखे हुए हैं और 2 डोर अभी हमने आपको खड़े जो कि हमारे वाल पर खड़े हुए थे हमने वो भी दिखाए। तो यहाँ पर जो कि काफ़ी अच्छे डोर बने हुए हैं। इनकी गेज की बात करें तो 16 गेज में इन डोर को बनाया गया है और इनकी अगर मैं कॉस्ट की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 6000 रुपये का ये डोर तैयार हो जाता है जिसकी मतलब लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। होने को तो ये 4000 में भी तैयार हो जाएगा, 4500 में भी तैयार हो जाएगा मगर क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी। मगर आप इस तरीके के डोर का इस्तेमाल करें तो 6000 की कॉस्ट में आपको काफ़ी अच्छे डोर मिल जाते हैं जो कि 10 से 15 साल इन डोर्स में कुछ नहीं होता। तो दोस्तों आपको हमने डोर्स दिखाए, यहाँ पर भी मैं दिखा देता हूँ। ये डोर्स देखिए चौखट के साथ हमने फिनिशिंग मतलब कब्जे लगाकर रेडी करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर की देखो और हमारे चैनल को ज्वाइन भी ज़रूर करें, ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।